नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के शाजापुर शहर में उपस्थित हैं, जहां पर एक मुस्लिम समुदाय का एक गरीब परिवार एसपी ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए आया है। क्या उनकी परेशानी है, क्या उनकी तकलीफ है, आइए जानते हैं उनकी आप बीती उन्हीं की जबानी है। पकड़ा इसमें, हाँ, इसने मार्केट करी, इसने बहुत दंगा मचाया। अच्छा, मेरे बच्चों को मैंने तो 3-4 दिन का गायब करा दिया इसने। तो कौन है सामने वाला व्यक्ति, कौन है? पंकज गुजर। हाँ। उससे आपको परेशानी है? बहुत परेशानी। क्या परेशान कर रहा है आप लोगों को? यानी गाली गलौज करता है, आप इन्हीं के परिवार से हैं? मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसकी बहन हूँ। उसके दुकान के जस्ट मेरा मकान है, वो मेरे को देख देख के दादागिरी करता है, गुंडागिरी करता है वो। आज अपन यहाँ आवेदन देने क्या चाहते हैं अपन एसपी साहब से? एसपी साहब को चाहते हैं कि मतलब हमको कार्रवाई किया जाए इसकी, हम बहुत परेशान हैं इससे। क्या कहना चाहते हैं वो लोग? अभी से आप लोग बता रहे थे गांव में रहने में कोई दिक्कत? हमारे गांव में रहने में दिक्कत, तुम्हारा मकान तोड़ देंगे, तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे, दो घर के। इस प्रकार की धमकियां आपको दी जा रही है? इस प्रकार की धमकियां भी दे रहे हैं और हर बार हाइट साइड लगता है। आपका नाम क्या है? जाकिर हुसैन हूं मैं सर। हां, क्या क्या जमा करने वाला हूं। और वो क्या है कि वो घर पे आके धमकी देता रहता है और हिंदू मुसलमान वाले भी लगाता है वो। अच्छा, 5-25 इंसान को बुला के वो बुला भी लेता है। क्या तो इसको उचित कार्रवाई की जाए सर, यही हमारी रिक्वेस्ट है। तो आप आइए सर। कौन, क्या नाम है आपका? रीना चावड़ा। तो आप तो मुस्लिम समुदाय से नहीं है? हाँ, मैं हिंदू पर मेरा भाई है। कैसे लोग हैं ये लोग, क्या क्या कहना चाह रहे हैं? परिवार से है वो, अच्छा, हमारे स्थान आता है, मेरा भाई लगता है वो। और उनको परेशान, उस दिन लड़ाई हुई थी, जब भी वो वहीं थी। अच्छा, किसी छोटे मोटे झगड़े के चलते इन लोगों में ये विवाद बना है, ये बना, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है? गांव में रहने के लिए मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि हाँ रहना नहीं देंगे इनको, ये कर देंगे, मरवा देंगे, ऐसा करवा देंगे, मकान तोड़वा देंगे इनका। आप भी वहीं के रहने वाले हैं? हाँ सर, मैं किसनलाल मोहाली चूमा के निवासी हूँ। क्या मामला है, कुछ बताएं? इनका मामला सर, आपस में इनके यानी 2-3 बार पहले भी लड़ाई हो गई थी, तो आपस में समझे समझी हो गए थे। उसके बाद में इनका जो मकान है, इनका पीछे वो राजेन का लड़का है, वो क्या नाम उसका, पंकज, उसका मकान आगे है। तो ये पानी भरने जाते हैं हेडपंप पे, उसका घर से थोड़ा आगे हेडपंप है, तो वो गाली गलौज करते हैं कि बकते हैं, तो अपशब्द कहते हैं, अशब्द बोलते हैं। और यूँ कहते तुम मुसलमान को यहाँ से भगा दो, जबकि ये मुसलमान लोगों नहीं है। हाँ, ये फकीर लोगों ने। हाँ, ये आप तो हिंदू हैं? हाँ, मैं हिंदू, आप इनके समर्थन में? मैं इनके समर्थन में हूँ। हाँ, और बहुत अच्छे लोग, अभी सर नहीं, मेरे 55 साल की उम्र हो गई है। आपका कहना यह है कोई मामूली विवाद को बड़ा कुल देकर के हिंदू मुस्लिम वाली भावना जा? हाँ, तो वो सर, उसने हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लिखवा दी। अच्छा, और हिंदू मुस्लिम के मेरे और हिंदू मुसलमान की लड़ाई कर दी, उसको जाकिर को बंद भी करवा दिया, नेतागिरी भी लग गई, उसको बहुत मारा खाने के अंदर। हाँ, बूर बूर के मारा उसको, मैंने उसका वीडियो भी देखा है, जो कि बहुत शरीफ लड़का है वो जाकिर। तो आप जितने भी लोग हैं सब ये जाकिर जी के समर्थन में? जाकिर जी